आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो सेशन रहेगा वो सेशन आज का ALP तो CBT 1 और CBT 2 का सेशन रहेगा, और बड़ा ही शानदार सेशन आपके लिए रहेगा। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है जी। तो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे, जी आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है, मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए मतलब ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या फिर ऊर्जा का सृजन हो सकता है या ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका मतलब इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ध्यान रखिए ये बात कही गई है भाई साहब, आपके ऊर्जा के बारे में बताने जो वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, आपके आइंस्टाइन, कौन थे आइंस्टाइन व्यक्ति हुए, इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया था इज इक्वल टू जो होता है MC² ठीक है जी, इज इक्वल टू MC², एम का मतलब होता है आपका मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, और ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट की, ठीक है जी, लाइट की स्पीड ऑफ। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना ये बात कही गई है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, या मतलब कह सकते हैं रूपांतरण होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे आपको मतलब आप समझो, जैसे आपके पास क्या होता है, आप जैसे ट्यूबलाइट जलाते हैं या लाइट जली होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैं कह देता हूँ आपसे केमिकल एनर्जी जो होती है, जैसे मोमबत्ती का जलना होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो किसमें, आपके लाइट एनर्जी में, और क्या है हीट एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो रही है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो ऊर्जा को ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चों क्या होगा, आपका फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी, विशेष तौर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी। जल्दी से बताइए कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है, तो उनके वेगों का अनुपात बताना है, इसका मतलब वेग का आपको बताना है। तो देखिए आप ये हम कह सकते हैं, आपको ये भी पता होगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों वो होता है ½mv², ठीक है जी, क्या होता है ½mv², आप क्या मान सकते हैं दोस्तों, एक क्या मान सकते हैं आप, एक V1 मान लीजिए स्क्वेयर, और एक आप क्या मान सकते हैं दूसरे को V2 का स्क्वेयर मान लीजिए, ठीक है जी। तो रेशियो निकालना है तो V1² / V2² ठीक है जी, इक्वल टू हम कह सकते हैं 4:9, हम ये कह सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखना भाई साहब स्क्वेयर है तो हम क्या कर सकेंगे, वी का स्क्वेयर है तो आपने स्क्वेयर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे भाई दोस्तों, ठीक है, तो स्क्वेयर करने पर ये स्क्वेयर क्या आ जाएगा, अनरूट यहाँ हो जाएगा, तो V1/V2 = 4:9 है, तो V1/V2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वे क्या होगा, 2:3 क्या होगा आपका, 3 आंसर होगा 2:3, ठीक है जी बच्चों, सुन आ रहा होगा, ये अनरूट जो है ये अनरूट चढ़ जाता है स्क्वेयर की वजह से, ये स्क्वेयर जो चढ़ रहे हैं इसकी वजह से क्या हो गया, स्क्वेयर चढ़ रहा है जो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अनरूट चढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2:3 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन दे रखा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है जी, कथन दे रखा है। फिर कारण दे रखा है, किस कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखिए कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, इसका मतलब कथन भी और कारण भी दोनों सही है, तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, मतलब कि जो कथन जो आपका कथन है ये वाला कारण को क्या करेगा, ये क्या करेगा इसको, ये कह रहा है कि कारण जो होगा कथन को क्या करेगा, ये वाला कारण इस कथन को स्पष्ट करता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये वाली बात इसको फॉलो कर रही है। दूसरी बात पढ़िए, कथन और कारण, मतलब कथन भी और कारण दोनों सही है परंतु कारण जो है वो कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। दूसरी बात देखिए, थर्ड कह रहा है कथन
सही है ना, कथन वाला सही है, परंतु कारण जो है वो क्या है, गलत है। और फोर्थ दे रखा है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होगा। चलिए चलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा आपका थर्ड। कौन सा आंसर होगा? थर्ड। देखो आपको पता है कि भाई साहब चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, सही बात है ना, ग्रेविटी का 1/6 होता है, परंतु चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बात तो गलत है, ये बात तो गलत है, क्योंकि 9.8/6 यदि हम इसको काटेंगे तो आपका जितना भी आएगा आप करके देख लीजिए, इसको आप करेंगे डिवाइड करेंगे इसको, तो 98/6 से करेंगे 60 से, 61 जा 60 8 3, ठीक है जी, 0.0 और 6 36, ठीक है जी, 0.2, तो लगभग 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चंद्रमा की क्या है बेटा, चंद्रमा की ग्रेविटी है, ये बात तो गलत कह रहा है ही नहीं वहाँ ग्रेविटी, ये बात तो गलत कह रहा है ना, चंद्रमा पृथ्वी की तरह गुरुत्व क्वेश्चन नहीं है, और चंद्रमा पृथ्वी की तरह, पृथ्वी पर तो ग्रेविटी है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कितनी है पृथ्वी की ग्रेविटी भाई? पृथ्वी जी का मान जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात तो गलत कह रहा है ना, पहली बात सही है, चंद्रमा पर मानव का वजन जो होगा पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा, 1/6 होगा, ठीक है जी, तो समझ लीजिए जैसे आपका 660 आपके यहाँ किलो होगा, तो 6 करेंगे तो वहाँ वजन कितना होगा, 10 किलो या 10 मीटर, ठीक है जी, इस तौर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फोर्थ है, हारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, मतलब कि इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम्स विल बी, अधिक लंबा लॉन्गर हो जाएगा, अधिक छोटा स्मॉलर हो जाएगा, गोलाकार स्पेरिकल हो जाएगा, या वही रहेगा, जल्दी से बताइए। जब आपका क्या होगा, वेटलेसनेस की स्थिति होती है, उस अवस्था में यदि कोई मोमबत्ती या कैंडल जली हुई है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए, अधिक लंबा लॉन्गर होगा, अधिक छोटा स्मॉलर होगा, गोलाकार स्पेरिकल, या वही रहेगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि भारहीनता की स्थिति होती है उसमें जो उसकी शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाती है, स्पेरिकल, कैसी हो जाती है, गोलाकार, कैसी होता है दोस्तों, गोलाकार हो जाएगी जब भारहीनता की अवस्था होती है, परंतु भारहीनता की अवस्था नहीं होगी तो आपने देखा होगा जो फ्लेम जलती है वो कैसे जलती है, सीधा सीधे जलती है, ठीक है दोस्तों, लंबी टाइप में जलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो किस पर काम करेंगे दोस्तों, तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन के गति के नियम पर, ठीक है जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या हम कहेंगे बर्नौली का सिद्धांत ना, बर्नौली प्रिंसिपल, या हम कह देंगे पास्कल का नियम, पास्कल का लॉ, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी आपके हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जो होते हैं तो उनमें जो होता है आपका पास्कल का नियम काम करता है, और पास्कल का भी ये बताया जाता है, पास्कल का जो पास्कल होता है ना, पास्कल का दूसरा नियम कौन सा होता है, दूसरा नियम जो होता है, तो सेकंड लॉ होता है, वो किस पर काम करता है, आपके हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक कह सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस भी कह सकते हैं ना, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती हैं, ठीक है, जो कंपनियों में यूज होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, ये सभी जो होती हैं इनमें क्या होता है, आपका पास्कल का नियम काम करेगा, तो क्या करता है, पास्कल का दूसरा नियम भी है, ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 आपके सामने है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेपथलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, जल्दी से बताइए किस किस का मिश्रण है, मिट्टी का है, मतलब रेत का है और नेपथलीन का है, तो उनका मिश्रण है और उनको अलग करना है, तो क्या करेंगे आप, कौन सी प्रोसेस से करेंगे, क्रोमेटोग्राफी या फिर आसवन डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, या फिर आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, आपको रेत और नेपथलीन का जो मिश्रण अलग करना है तो आपको क्या करना है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है दोस्तों, ध्यान रखना, रेत और नेपथलीन जो होता है ये क्या करता है, नेपथलीन जो होता है ये क्या करता है, आपका सीधा सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, अब सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, और उत्पादन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सीधा किससे, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है वही उर्ध्वपातन होता है, वही सब्लिमेशन होता है, जैसे ऑर्डोनिल हो गया, नेपथलीन्स हो गया, कपूर हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, आपके उर्ध्वपातन प्रोसेस पर काम करेंगे, तो भाई साहब नेपथलीन उड़ जाएगा, बच क्या जाएगा, रेत बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित धातु युग्मन में से किसी एक में क्रम से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु,
ये बताना है, ये जोखिम दिए हुए हैं नीचे, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है जी। यदि आपको यही क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, लगभग मैं आपको 1500-2000 क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ, 9992619864, ठीक है जी। आपको इस पर अपना नाम लिखना है, नेम प्लस में अपना कोर्स का नाम, ठीक है जी, ये आपको लिखना है, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो देखिए दोस्तों, ठीक है, लगभग हमने 3-4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस आपके टाइप कराए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहला जो आपका ऑप्शन है लिथियम है मरकरी, मतलब कि ये कहना चाह रहा है एक हल्की धातु, मतलब कि कौन सी होगी, एक लाइट वेट होगी और एक कैसी होगी, मतलब हैवी वेट वाली होगी, तो वो लिथियम होगी मरकरी होगी, लिथियम या ओस्मियम होगी, या फिर एल्युमिनियम एंड ओस्मियम होगी, या फिर एल्युमिनियम एंड मरकरी होगी, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा मेरे बच्चों, जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, कौन सी होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है ओस्मियम, ठीक है जी। लिथियम का, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 76 होता है, और जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है दोस्तों, 3, तो ध्यान रखना। तो सबसे भारी धातु जो है वो है आप ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु जो होती है वो कौन सी होती है, लिथियम, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैपायर या फिर रूबी, जल्दी से बताइए इस रूबी का जो फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए क्या फॉर्मूला होगा, इस रूबी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिए वो Al2O3 होगा, Al3O2 होगा, N2O होगा, या फिर NO2 होगा, ध्यान रखना रूबी का जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है, क्या होता है, Al2O3, इसका मतलब फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो नीलम रूबी का जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 होता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना होता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉन एज क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, तो भाई साहब वो CaO होता है, कार्बन ऑक्साइड होता है, या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा चूना है जिसको हम क्या कह देते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, चलिए तो क्या आंसर होगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है जी, कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होगा, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, डॉक्टर कलाकार एक मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है, डॉक्टर आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर्स यूज कैल्शियम सल्फेट विच इज प्रॉपरली नोन एज, जल्दी से बताइए वो कल्ली का चूना जिसमें क्विक लाइम बोलेंगे, चूना पत्थर लाइम स्टोन बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए डॉक्टर जो होता है आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियां टूटने के दौरान जो प्लास्टर करता है, या मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, तो दोस्तों सभी को पता होगा वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP, है ना, आप घरों में भी करवाते हो, POP होता है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा ये डॉक्टर जो होते हैं और मूर्तिकार जो होते हैं इसी का यूज करते हैं, ठीक है जी। टूटने के बाद ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, आपने देखा होगा प्लास्टर कटवाया होगा, किसी ब्लेड से ही काटा जाता है, वैसे नॉर्मल उसको नहीं निकाला जाता सकता भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हॉब्स आर नॉट फाउंड, जल्दी से बताइए, तो किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, वो हिरण में नहीं पाए जाएंगे, गीदड़ में नहीं पाए जाएंगे, जेबरा में नहीं पाए जाएंगे, या फिर आपका घोड़ा में नहीं पाए जाएंगे, जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। ध्यान रखना दोस्तों आपके जो खुर नहीं पाए जाते हैं वो किसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं, गीदड़ में नहीं पाए जाते, हिरण में खुर पाए जाते हैं, जेबरा में खुर पाए जाते हैं, घोड़े में क्या पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं, तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, उसका कुत्ते के जैसा आपका क्या होता है, उसका पैर होता है, ठीक है, जो होता है पंजा, ठीक है, ध्यान रखना इसमें क्या होता है आपके खुर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन पैरासाइट इज अ फिनोमिनन नोन एज,
एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित है तो उसको क्या कहते हैं, सहजीविता, जिसको हम बोलते हैं कॉमनिज्म बोलेंगे, या फिर उप परजीविता हाइपर पैरासाइटिज्म बोल देंगे, या फिर आंतरिक परजीविता एंडोपैरेटिज्म बोलेंगे, या फिर बाह्य परजीविता जिसको हम बोलते हैं एक्टोपैरेटिज्म। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसको हम बोलेंगे एक परजीव दूसरे परजीव पर आश्रित होगा तो उसको हम बोलते हैं आपका उप परजीविता, हाइपर पैरेटिज्म बोल देंगे। इसका मतलब जैसे कि एक कोई भी जीव, सजीव जीव, दूसरी सजीव जीव पर क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे कि आपके क्या होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया है ना, तो टिड्डा किस पर निर्भर होता है, घास पर, ठीक है। तो घास पर निर्भर होगा टिड्डा, तो ये कैसा हो गया, ये क्या एक परजीवी है, दूसरे परजीवी पे क्या कर रहा है निर्भर। जैसे मान के चलिए आपका क्या हो जाता है, आपका जैसे आपको मतलब गिरगिट हो गया, गिरगिट खाता किसको, आपको टिड्डे को खा जाता है, टिड्डा किसको खाता है भाई साहब, आपको घास को खाता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो क्या होगा, उप परजीविता हाइपर पैरेटिज्म होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, जो मकड़ियां रेशम बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं, द सिल्क प्रोड्यूस बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड, उसे टसर रेशम बोलेंगे, उसे गोसामर रेशम बोलेंगे, उसे मूंगा रेशम बोलेंगे, सिल्क बोलेंगे, या फिर अहिंसा रेशम बोलेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या बोलेंगे, टसर रेशम, गोसामर रेशम, या फिर मूंगा रेशम, या फिर आपका अहिंसा रेशम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा, आपका जो गोसामर रेशम होता है ये आपका मकड़ियों द्वारा बनाया जाने वाला क्या होता है, उत्पादित रेशम होता है दोस्तों, ठीक है जी। कैसा होगा, जो मकड़ियों द्वारा बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं गोसामर, क्या बोलते हैं, गोसामर सिल्क बोला जाता है मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देता है, ठीक है जी। तो क्या होगा भाई साहब, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमिनन फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर पॉपुलेशन के बाद, ठीक है जी। तो भाई साहब मैथुनोप्रांत कौन मार देता है, वो ड्रैगन फ्लाई होता है, वो मधुमक्खी होता है, वो मकड़ी होता है, या फिर पिट वाइपर होता है, ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैथुनोप्रांत जो होगा आपको पॉपुलेशन के बाद कौन सा जीव दूसरे मेल जीव को मार देगा, देखिए तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका मकड़ी जो होती है, ये क्या करती है, जो मेल आपकी जो मकड़ी होती है उसको क्या करती है, उसको मार देती है, मैथुनोप्रांत मार देगी, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है जो भाई साहब आपके क्या करता है, ऐसा कौन सा पादप होता है जो कीटों को खा जाता है, कि वो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दोनों क्या करते हैं, जो बाहर की आपके जो कीट होते हैं उनको खा जाते हैं, ठीक है जी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन सा होगा, पैशन फ्लावर पादप होगा, ठीक है जी, पैशन फ्लावर प्लांट, घटपर्णी पिक्चर प्लांट बोलेंगे, रात की रानी नाइट क्वीन बोलेंगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलेंगे। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आपका कीटहारी पौधा, जल्दी से बताइए। ध्यान रखना, जो होता है आपका पिक्चर प्लांट जो होता है, जो आपका पिक्चर प्लांट है इसको हम बोलते हैं घटपर्णी, ये क्या करते हैं, कीटहारी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो आप उस पर बैठने वाले जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, घड़े जैसी संरचना होती है इसकी, किसकी, इंसेक्टिवोरस जो होते हैं प्लांट, इनकी घड़े जैसी संरचना होती है, इसके अंदर कोई भी कीट घुस जाएगा ये ऊपर से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे नहीं है, वो नेपथलिन्स होता है। तो ध्यान रखना आपका कौन सा होगा पिक्चर प्लांट में, जो आपका नेपथलिन्स हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सभी कैसे होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है जी, कीटों को खाने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, लोहे की किस कील, लोहे की कोई कील होगी, ठीक है, लोहे की कोई कील पारे में तैरती है, ठीक है जी, लोहे की कोई कील है, लोहे की कोई कील है, और वो क्या करती है भाई साहब, पानी में तैरती है जबकि वह पारे में तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कोई कील है बच्चों, वो पारे में तो तैर जाती है जबकि पानी में डूब जाती है। व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी व्हाइल इट्स सिंक इन द वाटर, वो किसमें बेटा, वो पारे में तो तैर जाती है पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों कारण है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने कारण, यहाँ पर सेकंड है आपका, लोहे का भर पानी में अधिक तथा पानी से कम, मतलब लोहे का जो भार होगा
वो लोहे का जो भार है वो आपका पानी से अधिक तथा पारे से कम होगा, या फिर लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम है, या हम कह सकते हैं भाई साहब पारा पानी से भारी है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, बताइए दोस्तों बच्चे जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, जो आपका लोहा होता है, लोहे का घनत्व जो होता है, लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक होता है परंतु पारे से क्या होता है, कम। इसी वजह से जो आपके पारे में जो कील होती है लोहे की, वो क्या कर जाती है, तैर जाती है, परंतु किसके अंदर, पानी के अंदर क्या हो जाती है, क्या होती है, वो पानी के अंदर क्या जाती है, डूब जाती है दोस्तों। इसी के कारण डेंसिटी का फर्क होता है, और लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक और पारे से क्या होता है, कम। इसी वजह से क्या हो जाता है, वो पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। समुद्र में पलवन करते समय, मतलब तैरते समय, तैरना करते हुए आइसबर्ग, मतलब कि एक आइस का टुकड़ा का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर होता है। वाइल फ्लोटिंग इन अ सी, व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ द सी। जल्दी से बताइए कितना होगा, 1/9 होगा, 1/10, 1/6, 1/4। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे शानदार आपके आंसर आ रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे शानदार। चलिए तो ध्यान रखना, आपने कभी देखा होगा पानी के अंदर आप कोई भी आइस क्यूब आप डालते हैं, तो ध्यान रखना जो तो आइस क्यूब होगा उसका एक हिस्सा ऊपर दिखाई देगा, और बाकी के जो 9 हिस्से होंगे वो किसमें होंगे, पानी में। किसमें होंगे, पानी में। बताइए कौन सा होगा, 1/9। कौन सा होगा, 1/9 जो होगा, 9 हिस्से किसमें होते हैं, पानी के अंदर, एक हिस्सा दिखाई देता है, तो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। मानव आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो है। मानव का आंख जो है किस प्रकाश के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। 6050, मतलब कि 6050 एंगस्ट्रोम है, 5500 एंगस्ट्रोम है, 4500 एंगस्ट्रोम है, या फिर 7500 एंगस्ट्रोम है, 7500 एंगस्ट्रोम। जल्दी से बताइए। तो मानव का दृश्य मतलब आंख जो है वो कितनी वेवलेंथ तक, भाई एंगस्ट्रोम जो होती है तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है जी, तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, मानव आंख जो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कितना होता है, 5500 एंगस्ट्रोम। कितना होता है दोस्तों, 5500 एंगस्ट्रोम होगा मनुष्य की आंख का। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए 5500 एंगस्ट्रोम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रकाश तंतु जो होता है जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये किस पर काम करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लाइट्स ही होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल भी बहुत जल्दी से भेजे जा सकते हैं। एक आपने जो मेले लगते हैं वहां पर आपने एक लाइट भी देखी होगी, नीचे से लाइट जलती है, वो ऐसे घूम ऐसे चमकती रहती है ना, कुछ फुहारा सा होता है ऐसे। ध्यान रखना वो क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या फिर अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा, प्रकीर्ण मतलब स्कैटरिंग होगा, या फिर व्यतिकर इंटरफेरेंस होगा। जल्दी से बताइए। उदाहरण रखना, प्रकाश का तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, वो आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपका हीरे का चमकना होता है दोस्तों, और मिराज का बनना होता है आपका। ठीक है जी, और दूसरा आपने कभी देखा होगा एंडोस्कोपी जो की जाती है मनुष्य के पेट में कोई बीमारी को देखने के लिए, उसमें भी क्या होता है आपका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में जो प्रकाश होता है उसका फैलाव जो होता है वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफेयर टेक प्लेस ड्यू टू, किसके कारण फैलाव होता है प्रकाश का। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूल के कण के कारण, हीलियम के कारण, या जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, हीलियम या वाटर वेपर। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होगा। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे बच्चों। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण होता है मेरे बच्चों, वो किसका होता है, वो होता है आपका किसके कारण, वो होता है आपका दोस्तों इसके कारण, धूल के कण के कारण, डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होता है आपके, प्रकाश का फैलाव होता है मेरे भाइयों। ठीक है जी, आपने देखा होगा कभी कभी विंडो से कोई लाइट आती रहती है तो उसमें धूल के कण घूमते रहते हैं, आप करते हो तो क्या होता है भाई सब, ये टंडल इफेक्ट को भी शो करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। मनुष्य के शरीर में तत्वों का क्रम है, सीरीज ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, एलिमेंट जो होते हैं उनका सीरीज बताना है, क्रम किसका होगा। ये क्रम है भाई साहब, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर आपका ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। जल्दी से बताइए कौन सा है इसमें आंसर।
तो ध्यान रख लीजिए दोस्तों मेरे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो होता है बॉडी के अंदर वो होता है मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। और सबसे कम की मैं बात करता हूँ एक इसकी, एक धातु की, वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? धातु, एलिमेंट जो आपका मेटल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है जी, ये सबसे कम मात्रा में आपसे पूछने लगे, सबसे कम जो मात्रा में आपका धातु होता है वो कैल्शियम होता है, और सबसे अधिक मात्रा में तत्व पूछने लगे तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। तो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कौन सा होता है आपका? नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है? कैल्शियम होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा? आपका सेकंड इसका आंसर होगा बच्चों। आपको लग रहा होगा आसान सा, भाई साहब ये चीज़ें बहुत ही कठिन हैं, ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो भाई साहब ये आज 20 क्वेश्चन ही हैं, PPT पूर्ण रूप से बनी नहीं थी। चलिए, तो शानदार क्वेश्चन सामने किए हैं भाई साहब, और बड़े ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये। यदि वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपकी क्लास कल होगी। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।